तो बड़ी जानकारी इस वक्त ही आपको तो अयोध्या में वीवीआईपी गेस्ट हाउस बनेगा और उसको लेकर डिजाइन भी बनाया गया है और वो डिजाइन मुख्यमंत्री के सामने पेश किया गया है। उस डिजाइन का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ रही हैं लखनऊ से। निकिता, वीवीआईपी गेस्ट हाउस बनाया जाएगा और उसको लेकर एक डिजाइन भी आर्किटेक्चर से बना लिया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उसका निरीक्षण किया है, आपके पास क्या जानकारी है निकिता? देखिए, राम जन्मभूमि अयोध्या और केन्द्रराज प्रयागराज में राज्य सरकार अतिथि गृह का जो है निर्माण कराने जा रही है, जिसको लेकर के आज यानी शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों ही स्थल, साथ ही उसके लेआउट, सुविधाओं और साज सज्जा आदि के संबंध में एक प्रस्तुतिकरण का अवलोकन भी किया है। आपको बता दें कि राज्य संबंधी विभाग के जो भी ऑफिसर्स है उनके साथ एक बैठक हुई है और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो मंदिर स्थापना हुई और उसके बाद से अयोध्या में चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल सहित देश और दुनिया के कई वीवीआईपी गेस्ट आते हैं और उनका आगमन अब बढ़ रहा है। उनके रहने के लिए सुरक्षा और सुविधा में उत्कृष्ट मानकों के साथ ही गेस्ट हाउस की आवश्यकता होती है। और इसी प्रकार अगर हम प्रयागराज की बात करें तो वहां भी गणमान्य जनों के बेहतर अतिथियों के लिए एक अच्छा गेस्ट हाउस बनाए जाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप देखिए, जिस तरीके से प्रयागराज में अब कुंभ आ रहा है, काफी वीवीआईपी गेस्ट और दूर दराज से लोग आएंगे कुंभ के लिए, क्योंकि इसका हमेशा से उत्साह रहा है लोगों को लेकर के और इसके लिए प्रक्रिया जो है शीघ्र ही अब दी जाएगी। और अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में जो गेस्ट हाउस है उसके संबंध में चर्चा करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या में सरयू नदी के किनारे जो पर्यटन विभाग है उनकी जमीन पर अतिथि गृह जो है यानी गेस्ट हाउस है उसके लिए उपयुक्त होगी और साथ ही यहाँ करीब 3.5 एकड़ क्षेत्र में एक गेस्ट हाउस है, वीवीआईपी गेस्ट हाउस, उसको बनाया जा सकता है। और भवन की जो वास्तुकला है उसमें वैष्णव परंपरा की झलक भी होनी चाहिए। तो इन तमाम गाइडलाइंस पर आज बातचीत की है। भवन की ऊंचाई तय करते समय इसका ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दिशा में ये जन्मभूमि मंदिर से ऊंचा ना हो। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई है, इसका प्रेजेंटेशन हुआ है। अब जल्द ही, क्योंकि जिस तरीके से अब टूरिज्म बढ़ रहा है अयोध्या और प्रयागराज में, क्योंकि प्रयागराज में अब महाकुंभ भी है, तो इसके मद्देनजर एक वीवीआईपी गेस्ट हाउस जिस तरीके से अब बनाने की पूरी प्लानिंग कर रही है योगी सरकार, और उसके लिए ही आज बैठक भी की गई है। और इस संबंध में जो आप कह सकते हैं कि जिस तरीके से जल्दी काम हो इसके लिए भी पूरी जो प्रोसेस है उसको शुभारंभ करने के लिए बैठक की गई है। चलिए निकिता, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है, कारोबारी दीनानाथ झुंझुनवाला पर ईडी की शिकंजा। कारोबारी की आवाज पर फैक्ट्री पर ईडी की छापेमारी।